स्टील की सिंक पर अगर दाग लग जाए ना, देखिए किस तरह से कंडीशन हो जाती है। हम बर्तन साफ करके जब हटते हैं ना, तो छींटों की वजह से वाइट जैसे चिपचिपे जैसे दाग लग जाते हैं, बहुत ही भद्दी दिखने लगती है। बहुत लोग हार्पिक यूज कर लेते हैं चमकाने के लिए, चमक तो जाती है पहली बार में, लेकिन आस्ते आस्ते वो काली पड़ना शुरू हो जाती है, तो स्टील की जो चमक है वो खत्म हो जाती है। तेजाब होता है हार्पिक के अंदर। इन दो चीजों को कभी यूज ना करें। कपड़े धोने वाला साबुन में हाई मात्रा में कास्टिक होता है, उसको भी यूज ना करें। सिंक पर या स्टील की कोई भी चीज हो, स्टील पर मैं आज एक ऐसी पाउडर यूज करने वाला हूं जिससे आप हार्पिक के असर को पहली ही बार में लगभग 99% तक खत्म कर देंगे, चमकना शुरू हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना है, आपको कौन कौन सी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ यूज करके आप इसको फिर से चमका सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं और इसको करते हैं साफ। ये इतना गंदा नहीं है, बहुत लोगों के घर में तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, स्टील का कोई भी सिस्टम हो, जरूरी नहीं है स्टील के सिंक ही हो, हम स्टील के सिंक पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी स्टील को आप साफ करने जा रहे हैं ना, किसी भी केमिकल मारने जा रहे हैं, तो उसको पानी से गीला करना बहुत जरूरी है। सूखे पे कभी भी कोई केमिकल यूज नहीं करना चाहिए, चाहे स्टील हो चाहे टाइल मार्बल हो, उसको पानी मारना पहले जरूरी है। तो देखिए ये लगभग मैं यहाँ पे एक चम्मच पाउडर लेने वाला हूँ और इसको मैं बताऊंगा आपको ये कौन सा पाउडर है। ये बेकिंग सोडा नहीं है, ना ही कास्टिक सोडा है। तो यहाँ पे मैं लगभग एक चम्मच और ले लेता हूँ। देखिए इतना काफ़ी है हमारा, लगभग 1.5 चम्मच के लगभग मैंने ले लिया है ये पाउडर। अब इसी से हम इसको बिल्कुल चमकाएंगे, लेकिन स्क्रब हमें लेना पड़ेगा। देखिए जो जूना होता है ना, इसका मेन काम होता है, इसको कभी भी आप नया यूज करें, स्टील खराब हो जाए, नया यूज करना है ये वाला, तो ये समझो कि आधा काम तो यही कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसी से हम इसको रगड़ते हैं। तो भाई वीडियो को ना कहीं से भी कट नहीं करना है, मैं इस केमिकल के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही गजब की चीज़ है ये। इसकी एक और खासियत है, कीड़े मकोड़े इसकी स्मेल से दूर रहते हैं। आप इस केमिकल से टाइल भी चमका सकते हैं, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने वाला ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना है। जितनी भी कालापन है, जितनी भी गंदगी है ना, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पहली बार में आपको बहुत रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो जूना है ना, ये नया लेना है। जब आप ज़्यादा खराब स्टील को क्लीन कर रहे हैं ना, तो ये 10 रुपये का जूना आता है बस। तो चलिए इसको धोते हैं, इसका कंडीशन देखते हैं। तो देखिए हमारा जो स्टील का सिंक है ना, देख सकते हैं इसका कंडीशन। तो ये पाउडर ब्लीचिंग पाउडर था ये, इसको आप ला करके रख लें, टाइल को भी क्लीन कर सकते हैं, बाथरूम में यूज कर सकते हैं। ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, साथ ही साथ ये बदबू को खत्म करने के साथ साथ में चमक लाता है। ठीक है, गंदगी को रिमूव करने में बहुत ही कारगर है ये। देखिए और स्टील को देख सकते हैं, अभी चमका दिया बिल्कुल नया। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।